हमीरपुर शहर को सुंदर और स्वच्छ बनाया जाए इसके लिए जिला प्रशासन की ओर से जागरूकता अभियान भी आरंभ किया गया है। गांधी चौक पर भाषा संस्कृति विभाग के नाट्य दल द्वारा नेहरू युवा केंद्र के कलाकारों ने मुखिया बाजार को साफ सुथरा रखने, पानी की निकासी नालियों की प्रतिदिन सफाई करने तथा बाजार की सड़क पर अतिक्रमण नहीं करने के बारे में जागरूक किया। कलाकारों ने लघु नाटिका के माध्यम से अतिक्रमण तथा नालियों के विरुद्ध होने के दुष्प्रभावों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस अवसर पर IAS प्रोविजनल जफर इकबाल ने कहा कि मुखिया बाजार की सड़क पर अतिक्रमण के कारण कई बार सड़क दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है। इसके साथ ही स्कूली बच्चों तथा आम लोगों को भी बाजार में आवाजाही पर दिक्कतें होती हैं। उन्होंने कहा कि आपातकालीन स्थितियों में एम्बुलेंस तथा फायर ब्रिगेड इत्यादि वाहन भी समय पर स्पॉट पर नहीं पहुंच पाते हैं। उन्होंने व्यापार मंडल के पदाधिकारियों से आग्रह करते हुए कहा कि मुखिया बाजार में अतिक्रमण न हो इसके लिए प्रशासन का पूर्ण सहयोग सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि मुख्य बाजार के दोनों ओर पर गंदे पानी की निकासी के लिए नालियां निर्मित की गई हैं तथा इन नालियों की नियमित तौर पर साफ सफाई जरूरी है। नालियों के ऊपर किसी भी तरह का स्थायी ढांचा न बनाएं, इससे नालियों में पानी का बहाव रुक जाता है। नालियों में गंदे पानी के रुकने के कारण बीमारियों का अंदेशा भी बना रहता है। उन्होंने कहा कि शहर को स्वच्छ तथा सुंदर बनाने में आम नागरिकों को भी पूर्ण सहयोग करना चाहिए। इस बाबत जिला प्रशासन की ओर से सभी नागरिकों एवं दुकानदारों को भी जागरूक किया जा रहा है। आज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हमीरपुर की तरफ से और डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक रिलेशंस और डिपार्टमेंट ऑफ लैंग्वेज आर्ट्स की तरफ से जो ये नुक्कड़ उनमें और एनवाईके के जो हमारे वॉलंटियर्स हैं और आर्टिस्ट हैं, उन्होंने यहाँ पे पहली बार हमीरपुर में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को ये समझाया कि यहाँ पे जो रोड्स पे जितने भी शॉपकीपर्स अपनी जो सामान वगैरह बाहर रखते हैं जिसकी वजह से लोगों को चलने में परेशानी होती है और कई बार एक्सीडेंट्स वगैरह भी होते हैं उसके रिलेटेड, उसके बाद सफाई रखने के रिलेटेड कि नालियाँ गंदी हैं और आजकल जैसे भी डेंगू वगैरह की प्रॉब्लम चल रही है तो उसके रिलेटेड और मतलब स्वच्छता मेंटेन रखने के रिलेटेड इसके रिलेटेड जो इन्होंने जानकारी दिया लोगों को और मुझे ये देख के खुशी हुई और कि लोगों ने इतनी भारी मात्रा में यहाँ पे इनका प्रोग्राम देखा और मैं बधाई देना चाहता हूँ इन सब वॉलंटियर्स को और आर्टिस्ट को और मैं कहूँगा कि आगे भी डिस्ट्रिक्ट प्रशासन के साथ जिला प्रशासन के साथ जो है कोऑपरेट करें और जनता में ऐसे ही जो है जानकारी देते रहें और मैं जनता से अनुरोध करूंगा कि इन चीज़ों का ध्यान रखा जाए ताकि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ढंग से चल रही जागो मैया जागो आ।